Hello friends, I'm Anu and you're watching me on Rolling Frames Entertainment. So thank you so much for your love, your support, your comments. बहुत सारा मुझे प्यार मिल रहा है मेरी वीडियोस को. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लेडीज के, गर्ल्स के, इवन स्कूल गोइंग गर्ल्स के, कि मेरे को वर्कआउट किस टाइम करना चाहिए. उनको लगता है कि मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफरेबल है या इवनिंग में है. सो गाइज, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल, कि आपका क्या गोल. अगर वेट लॉस के लिए जा रहे हो तो मॉर्निंग शुड बी प्रेफरेबल. क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आपका वेट लॉस ज़्यादा होता है. सो मॉर्निंग में अगर आप करोगे तो एम्प्टी स्टमक होती है आपका. अगर जो गोल है कि पतले होना है, स्लिम होना है, टोनअप होना है, तो बेटर है कि मॉर्निंग में जाओ. बट बहुत लोगों के पास मॉर्निंग में टाइम नहीं होता. स्पेसिफिकली लेडीज़ के पास कॉलेज जा रहा है, किसी ने स्कूल जाना है, तो उनको उस टाइम पे पहुंचना होता है. हाउसवाइफ्स की अगर मैं बात करूं तो उनके बहुत सारे, उनकी सुबह सुबह उनके बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं. बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, जॉइंट फैमिली में है तो इन लॉज को देखना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है. तो वो 11-12 बजे आ जाती हैं जिम. एक डेढ़ घंटा होता है बच्चों के स्कूल आने से पहले. दे विल जस्ट फिनिश योर वर्कआउट एंड गो होम. वर्किंग वुमेन्स हैं, बिजनेस वुमेन हैं, उनको लगता है इवनिंग में हम लेट हो जाते हैं, उठ नहीं पाते. सो यही मिसकंसेप्शन में या यही कश्मकश में रह जाते हैं, मॉर्निंग में जाएं या इवनिंग में जाएं. सो इसलिए क्या है, वो जिम भी नहीं जा पाते हैं, ना कोई वर्कआउट कर पाते हैं, ना ही कोई एक्टिविटी उनकी होती है, राइट. सो ये मतलब नहीं है कि आपके पास मॉर्निंग टाइम नहीं है, इवनिंग में है, रात में है, दोपहर में है, शाम में है, कभी भी टाइम है. आप एक डेढ़ घंटा निकाल के अपना वर्कआउट करो. जिम जाना है, स्विमिंग जाना है, जुम्बा करना है, एरोबिक्स करनी है, क्रॉसफिट करना है, जो मनपसंद चीज़ है वो करो, जिससे आपको लगता है आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि यस, मैंने कुछ किया, मैंने अपना वर्कआउट किया, मैंने अपनी कैलोरीज बर्न करी. सो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम सब चीज़ों के लिए? कैलोरीज बर्न करने के लिए, फैट लॉस के लिए, ठीक है, या टोन अप के लिए. सो पतली हैं वो टोन अप के लिए हैं. सो गाइज, ये चीज़ों में मत पड़ो. मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो. बट यस, बेनिफिट मॉर्निंग का होता है, बट मोस्ट चीज़ें सोच के अगर एक मॉर्निंग मिस हो गया, सपोज हम उठ नहीं पाए या कोई काम है या रात को लेट सोए, हम शाम को भी नहीं जा पाते, नहीं मॉर्निंग में ही फ़ायदा है, मॉर्निंग में ही जाएंगे, वो एक दिन स्किप हो गया. ऐसे करते 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 पता नहीं कितने दिन निकाल लेते हैं. सो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी हम मॉर्निंग में जाएं कि कब जाएं, जब भी आपका टाइम लगता है. बहुत लोग हैं जो रात को 12 बजे भी जाते हैं. मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे, 24/7 जिम्स हैं वहाँ पे. सो जो शूट में जाते हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, कुछ भी हैं, तो वो रात को 12 बजे भी वर्कआउट करते हैं. सो ये सब चीज़ें, ये एक्सक्यूज़ है कि हम मॉर्निंग में नहीं जा सकते, हम इवनिंग में जाएंगे, इवनिंग में नहीं जा सकते, मॉर्निंग में जाएंगे. सो इन सब चीज़ों में ना पढ़ के वर्कआउट पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो कि हमने वेट लॉस करना है, टोनिंग करनी है, शेप अप करना है. क्या गोल क्या है आपका, उस पे फोकस करके आप वर्कआउट करो. दैट इट. सो आई थिंक आई हैव क्लियर योर डाउट एंड क्लियर योर मिथ कि कब करना है वर्कआउट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट.